अरविंद जी जो आपने बात कही कि ईडी की वजह से पार्टी टूट रही है कई आपने अभी हाल फिलहाल में आरोप लगाया था कि आपकी पार्टी के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की गई और पच्चीस करोड़ रुपए ऑफर दिए गए वो मामला थोड़ा आप बताए ये कई बार इन्होंने कोशिश कर ली ये पहली बार नहीं है उसके पहले भी इन लोगों ने कोशिश की है ये ऑपरेशन लोटस 2016-17 से चल रहा है इनका ये कई बार इन्होंने हमारे एम को खरीदने की कोशिश की हमारी पार्टी को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं आज तक इन हमारे एम आपको याद होगा जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी अट्ठाईस एम थे हमारे छत्तीस चाहिए थे आठ की कमी थी और इनके बत्तीस थे इनके बीजेपी के बत्तीस थे इनको केवल चार एम तोड़ने थे ये में से हमारे चार एम भी नहीं तोड़ पाए इन्होंने बहुत कोशिश की उन दिनों में तो ये कई बार कोशिश कर चुके हैं हमारी पार्टी तोड़ने की हमारे एम तोड़ने की लेकिन हमारे लोग मजबूत हैं हमारे साथ खड़े हो हमने कोई गलत काम नहीं किया राहुल जी आज अगर किसी पे ईडी का सीबीआई का शिकंजा होता है अगर वो दोषी है अगर उसने गलत काम कर रखा है वो तुरंत बीजेपी में चला जाता है और उसको फिर सारी फाइलें उसकी रफा दफा हो जाती है अगर कोई दोषी नहीं है मनीष सिसोदिया की तरह तो उसको दस बार कोशिश की जाती है बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए वो अड़ा रहता है उसे पता है आज तो कल मैं बाहर तो आई जाऊंगा तो आज ईमानदार की परिभाषा ये नहीं है कि आपको ईडी ने गिरफ्तार किया आज ईमानदार की परिभाषा है ईडी के एक्शन के बाद अगर आप बीजेपी में चले गए तो आप बेईमान हो और अगर ईडी के एक्शन के बाद भी आप डटे रहे और जेल चले गए आप ईमानदार हो इसका मतलब आपने कोई गलत काम नहीं किया अरविंद जी मुझे याद आ रहा है जब आपकी सरकार बनी थी तब आपका एक ऐड बहुत चला था उस समय और उसमें आपने कहा था कि आप कोई अगर रिश्वत देने आए तो उसका स्टिंग कर लेना और हमें भेज देना और हम कार्रवाई करेंगे या आपके विधायक उनका स्टिंग क्यों नहीं कर लेते जो आपको ऑफर कर रहे हैं स्टिंग पहले किए भी है हमारे एक या दो स्टिंग हमने जारी भी किए थे लेकिन राहुल जी सारा दिन अब आप आए हमारे पास आप मेरे दोस्त हो और आप उन लोगों का मैसेज लेके आए मान लीजिए अब मैं अपने फ़ोन पे आपकी रिकॉर्डिंग थोड़ी करूंगा यार आप मेरे पास मान लीजिए मैसेज लेके आए आपने कहा अरविंद जी वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि मनीष को भी छोड़ देंगे सतंदर को भी छोड़ देंगे संजय सिंह को भी छोड़ देंगे आप ये इंडिया गठबंधन मत करो अब मैं यार आपकी थोड़ी वो करूँगा मेरी और आपकी तो दोस्ती है <laughs> है ना तो मैं अब आपकी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करूंगा और फिर जनता को दिखाऊँगा तो रिश्ते ख़राब होते हैं इसी तरह से करते हैं ये लोग

चुनाव हुए चुनाव में हमारी आपकी लड़ाई है हम चुनाव लड़े आप चुनाव लड़े आप जीत गए आप सरकार चलाओ वो जीत गए वो सरकार चलाओ जो जीत गया वो सरकार चलाए पाँच साल जनता को पसंद आएगी उनको दोबारा वोट दे देंगे जनता को नहीं पसंद आएगी उनको वोट दे के नि, दे, निकाल देंगे अब दिल्ली के अंदर हमें सरकार ही नहीं चलाने देते हर चीज़ में टांगड़ाते हैं हर चीज़ में टांगड़ाते हैं पिछले साल इन्होंने एल के जरिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दवाइयाँ बंद करा दी अच्छी चीज़ है दो महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी टेस्ट बंद करा दिए कई मोहल्ला क्लिनिक हमारे रेंट पे चल रहे हैं किराए पे उनका रेंट बंद करा दिया पेमेंट बंद करा दिया बिजली का पेमेंट ब... लड़ लड़ के इनसे मैंने सारा दोबारा ठीक कराया ये तो अच्छी चीज नहीं है भाई हम जीत गए हमें काम करने दो अब अगली साल चुनाव है दिल्ली का फिर लड़ लेंगे चुनाव तुम अपना अच्छा काम करो तुम्हारे पास केंद्र सरकार इतनी बड़ी सरकार है तुम दिल्ली में इतने अच्छे काम करके दिखाओ ना लोग कहें भाई इनको वोट दो वो खुद भी काम नहीं करते हमें भी काम नहीं करना ये गलत बात है इससे देश की तरक्की नहीं होती